kain ng ba? Sinso ba? Is ka namo ba ka? Is ka namo ba ka? Soil pollution. Kaya ba? Sorry, noise pollution. Soil name, noise pollution. ठीक है? Is ka namo ba? Noise pollution. जैसा कि आपको पता है, हमने जो पिछला लेक्चर पढ़ा था, ठीक है? जो आपको पसंद आया, पिछला जो आपका यूनिट खत्म हुआ है, वो आपका यूनिट था क्या था? Soil pollution था. उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो फिर आपको दिक्कत होना नहीं चाहिए. जहाँ तक मेरा हिसाब से कि मैं हर चीज लेकर के उसको क्या किया है, कवर किया है, ठीक है. जो आपका soil pollution है, जो आपका soil pollution है, जो आपका soil pollution है, उसको हर एक चीज को देखते हुए हम क्या कहते हैं, जनरली सारा टॉपिक कवर करते हुए हम आगे बढ़े थे, ठीक है. जो soil pollution का जितना भी टॉपिक आपका था जनरली वो कवर कर चुके थे. और इसी के अंतर्गत ठीक है. तो कहने का सेंस मेरा ये है कि जो आपका सवाल पॉल्यूशन का जितना भी टॉपिक हमने कवर किया था एज पर सिलेबस या फिर एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू से मोर देन सफिशिएंट था, ठीक है. वहां से अगर कोई भी टॉपिक बनेगा, कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप इजीली कर लेना होंगे, मुझे आशा है. क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट आपको पता ही है, ठीक है. थ्योरी क्या है, सब्जेक्ट आपको पता ही है. कहीं कहीं आपको दिक्कत होने वाला नहीं है, कहीं कहीं आपको दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है गाइस. तो कहने का सेंस मेरा ये है कि हम जो सवाल ऐसे पब्लिकेशन में क्या किया कि वो जो सॉलिड पेस्ट पोर्शन उसको अलग समझा दिया है. तो हम उसको सॉलिड पेस्ट के बारे में कितने टाइप्स होते हैं, इसके टाइप्स हम पढ़ चुके थे. जो सॉलिड पेस्ट टाइप्स होते हैं इसको हम पढ़ चुके थे. और इसको कैसे हम कैसे फाइनल जो समापन करते हैं, समापन कैसे करते हैं, इसके बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे. जो समापन करते हैं उसके फाइनल वीडियो हम क्या किए थे, कर चुके थे कि कैसे कैसे इसको हमको क्या करना है, रिमूव करना है. तो मैंने बताया था कि सॉलिड पेस्ट का जो सोर्सेज होता है वो जनरली आपका कह सकते हो कि घर भी हो सकता है, जो कमर्शियल एरिया होते हैं जैसे होटल वगैरह हो गए, ठीक है. सामुदायिक रूप से जुड़े होते हैं, होटल वगैरह हो गए, वहाँ से सॉलिड पेस्ट करते हैं, घर से निकलते हैं, या फिर किसी इंडस्ट्रीज भी कह सकते हो, वो भी रिसोर्सेज है. या फिर कह सकते हो कि जहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट होता है, जहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह होता है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे भी आपका जो सॉलिड वेस्ट होता है वहाँ से भी निकलता रहता है. तो कह सकते हैं इस चीज़ को जो आपका सॉलिड वेस्ट होता है आपका जनरली बहुत सारे रिसोर्सेज हो सकते हैं, ठीक है. जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि सॉलिड वेस्ट क्या क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं, इसको कैसे मिनिमाइज करना है, जो हमारा जो हमारा सॉलिड वेस्ट निकल रहा था उसको हम कैसे समापन करें, इसके बारे में जाना था. फिर एक टर्म आया था आपका इसी में ई टर्म, ई वेस्ट आया था. क्या आया था, ई वेस्ट, यानी कि जितने भी आपके रेडियो टेलीविजन सॉरी रेडियो टीवी वगैरह टेलीविजन, ठीक है, और मतलब जितने भी इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक जो 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 भी चीज़ें फ्रिज वगैरह भी कह सकते हो, निर्माण कर सकते हो, ठीक है, ए सी कूलर वगैरह, यानी जब ये खराब हो जाते हैं यानी कि उसका कोई यूजलेस नहीं होता, मतलब यूजफुल नहीं होता है, तो क्या करते हैं जनरली हम लोग उसको ई वेस्ट बोल देते हैं. तो आप इसके बाद इसके अंदर बहुत सारे टर्म आ सकते हैं, जैसे कि मतलब खोला गया टीवी हो सकता है, पंखा हो सकता है, कूलर हो सकता है, या फिर रेडियो हो सकता है, यानी कि जो सॉलिड वेस्ट होंगे जहां से भी निकल रहा है, तो या आज
कर रहे हैं उन वेस्ट हम क्या करें पैसे समापन करें। तो हमने उसका भी मेथड बताया था, हमने भी उसका मेथड बताया था क्लियर अबाउट तीन या चार मेथड हम रिसर्चिंग किए थे। जैसा कि आपको पता है जला कर भी कर सकते हैं, जला कर ठीक है, जला करके कर सकते हैं ठीक है। उसके बाद सब कर सकते हैं आप कर सकते हैं जला करके, उसके बाद स्वच्छ भूमि भरा करके, स्वच्छ भूमि खराब करके, या फिर क्या करते हैं पीस करते हैं पीस कर ठीक है। उसके बाद से क्या कर सकते हैं हम लोग ढेर लगा कर ठीक है, ढेर लगा कर। तो कहने का सेंस मेरा ये कि अलग अलग मेथड्स अलग अलग आबादी के अनुसार जो क्षेत्रफल है वहाँ का जो होगा उसके अकॉर्डिंग हमने जनरली क्या किया था बताया था कैसे कैसे उसको प्रोसीजर है हम लोग जनरली पढ़ चुके थे। तो गाइस आज हमारा जो स्टार्ट होने वाला है यूनिट नंबर 6 जिसका नाम है नॉइज पॉल्यूशन, जिसका नाम है नॉइज पॉल्यूशन, क्या है जिसका नाम है नॉइज पॉल्यूशन ठीक है, इसका नाम है नॉइज पॉल्यूशन। तो कहने का मतलब इसको बोलते हैं क्या ध्वनि प्रदूषण, क्या बोलते हैं ध्वनि प्रदूषण बोलते हैं, क्या बोलते हैं ध्वनि प्रदूषण बोलते हैं। तो गाइस ध्यान देने वाली बात है जिस प्रकार हम पढ़े उतना तरीके से कौन कौन से वर्ड आते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या कह रहा है, सबसे पहले उन्होंने एयर वाटर और भी जस्ट पिछले अभी सवाल से हम गुजरे हैं ठीक है, सवाल पॉल्यूशन से हम क्या किए इसके बारे में तीनों के बारे में शरीक कर चुके हैं। हम लोग उसके बारे में देखें कि इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है इंसान पे, उसको कैसे मिनिमाइज करें, या फिर जो वाटर है इसका क्या रिसोर्सेज है कहाँ से इसको जो गंदगियाँ फैल रही है उसको कैसे मिनिमाइज करें, ट्रीटमेंट प्लांट क्या यूज करें। फिर सॉइल हमने देखा कि सॉइल का क्या इफेक्ट पड़ता है आपके ह्यूमन पे या इनके साथ प्लांट्स या जो भी आप फसल वगैरह हैं उन पे ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग स्टडी कर चुके थे, यहाँ तक हम क्या कहते हैं स्टडी कर चुके थे। तो अब हम स्टडी करने वाले हैं जो नेक्स्ट यूनिट आपका है बहुत छोटा सा है प्यारा सा है। पहले इसको जान लेते हैं एक्चुअली पढ़ना क्या क्या है ठीक है। जो पहला आपको चीज़ है आपको पढ़ना है सोर्सेस ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, सोर्सेस ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, सोर्सेस ऑफ नॉइज पॉल्यूशन ठीक है। उसके बाद से इसका यूनिट क्या है ठीक है, इसके बाद से यूनिट ऑफ नॉइज, यूनिट यानी कि ध्वनि की यूनिट है वो किसमें जनरली मेजर करते हैं ठीक है। उसके बाद से आपका आता है, उसके बाद से आपका आता है इफेक्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, उसके बाद से आता है इफेक्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन ठीक है, नॉइज पॉल्यूशन। उसके बाद से आपका आता है जो आपका एक्सेप्टेबल वैल्यू होता है, एक्सेप्टेबल जो वैल्यू होता है उसको बोलते हैं स्वीकार्य मान, स्वीकार्य मान क्या बोलते हैं स्वीकार्य मान। तो हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं इसका फिर लास्ट टॉपिक है आपका डिफरेंट मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, डिफरेंट मेथड्स ऑफ मिनिमाइजिंग क्या होता है मिनिमाइजिंग नॉइज पॉल्यूशन, यानी हम उसको कैसे इन टॉपिकों को ध्यान देने की जरूरत है, ध्यान से देखना कि क्या क्या इसके सोर्सेज हो सकते हैं इसके नॉइज पॉल्यूशन के। जैसे हमने अभी तक क्या किया जितने भी टैक्स हमने पॉल्यूशन पढ़ाया कहीं ना कहीं पर इन्वायरमेंट के लिए आदमी के लिए जीव जंतुओं के लिए कहीं ना कहीं हार्मफुल रहा है। तो बाबू नॉइज पॉल्यूशन है
क्या वैल्यू है, कितना ले सकते हैं कितना नहीं ले सकते, उसको जरूर हम क्या करते हैं देखते हैं। फिर जो डिफरेंट मेथड्स होते हैं आपके मिनिमाइज करने के, उसको हम लोग जनरली कंसीडर करेंगे। ये आपके मेनली सिलेबस में दिया हुआ है। अगर बाकी इनकेस अगर इससे भी ज़्यादा हमको नहीं लगता है बहुत ज़्यादा पूछने वाला है, सारा क्वेश्चन जो पूछेगा इसी से रिलेटेड ही पूछेगा आपको, तो कहने का सेंस की राय है कि कोई भी टॉपिक छोड़िएगा मत, कोई भी जितने भी आप पढ़ाया जा रहा है सिलेबस वाइज टॉपिक वाइज, उसको अगर प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नोट्स नहीं बना रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि इसका मतलब आपको सब कुछ आता है, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कहने का सेंस मेरा ये है गाइस, जितने भी टॉपर हैं सारे टॉपर को बारी बारी से क्या करते हैं समझते हैं, क्या करते हैं बारी बारी से समझते हैं। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग वॉल्यूम का क्वेश्चन, इसको भी रख कर देते हैं, इसको भी रख कर देते हैं। मैं तो उसको लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो गाइस ध्यान दो, क्या ध्यान दो कि जो आपका जैसे हमने वाटर पॉल्यूशन पढ़ा था, तो मुझे जाना था कि वाटर में कुछ ऐसे अवांछनीय केमिकल्स वगैरह मिल जा रहे हैं जिससे हमारा जो वाटर है पॉल्यूटेड हो जाता है, तो उस पॉल्यूशन को कहीं ना कहीं रोका जाता है। अब इस बात कहने के उसको प्रिवेंशन करोगे या ट्रीटमेंट के माध्यम से कुछ कैसे भी करो, अब सेंस आता है उसी के केस में बात करें कि हम लोग का एनवायरनमेंट और ये पॉल्यूशन। पॉल्यूशन का मतलब सभी लोग जानते ही हो, जब प्रदूषण हो गया कोई चीज़ प्रदूषित हो गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं हो गया हार्मफुल है, कहीं ना कहीं क्या है हार्मफुल है। अब एनवायर जो है ध्वनि, अगर ये ध्वनि अच्छा होता सुनने में अच्छा होता हम क्यों कहते हैं ये प्रदूषण, इसके साथ हम जोड़ते हैं जोड़ते ही नहीं। ध्वनि प्रदूषण जुड़ गया इसका मतलब इन द केस इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ने वाला है, कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो भैया वो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, वो इसका इम्पैक्ट क्या क्या पड़ेगा, क्या क्या इसको प्रभावित करेगा, वो आगे हम सारा कुछ डिटेल देखेंगे। तो कहने का सेंस मेरा ये है जो आपका ध्वनि है वो ध्वनि इतना स्वीकार करता है, यानी कि जो आपके कान है जो आपके कान है वो कितना सुनने में सक्षम है, कितने डेसिबल तक सुनने में सक्षम है, उसी को बोलते हैं ध्वनि और क्या नॉइज पोल्यूशन। लेकिन उसके पहले हम जान लेते हैं एक्चुअली जो डिफाइन किया गया है नॉइज पोल्यूशन को, उसको हम इस प्रकार किए, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे ध्वनि होते हैं जो हमारे कानों को क्या होते हैं और क्या करता है आदमी के अंदर, मनुष्य के अंदर क्या करता है
करने जाएगा उसका मन नहीं लगेगा, कोई भी काम करने जाएगा उसका मन नहीं लगेगा। तो कहने का सेंस मेरा ये है, मार्ग परिश्रम सिंपल सी बात है, ऐसा ध्वनि जो मानव को परेशान करे या उसके कानों को वह ध्वनि सुनने में अप्रिय लगे और उसमें चिड़चिड़ापन हो जाए, चिड़चिड़ापन हो जाए और क्या हो, सिर दर्द हो जाए या फिर निद्रा में कुछ ना कुछ परेशानी हो, यानी इस तरह के जितने भी इरिटेशन प्रॉब्लम है, जितने भी इरिटेटेड प्रॉब्लम है, उसको जनरली हम लोग बोलते हैं ध्वनि प्रदूषण। तो आप लोग हमको आशा करते हैं कि आप लोग उसको बहुत ही अच्छी तरह से डिफाइन कर सकते हैं, हम आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर मान लो मैंने बताया वास्तव में इसका इम्पैक्ट तो जो इंसान है, मनुष्य है, उस पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, बहुत तो खतरनाक तरीके से। क्या क्या पड़ेगा, या तो बहरा हो सकता है, बहरापन भी हो सकता है, या उसकी नींद में कमी आ सकती है, निद्रा में कमी हो सकता है, निद्रा में प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर कह सकते हो पर उसका सिर दर्द होगा, क्या होगा सिर दर्द होगा, क्या होगा वो सिर दर्द होगा, उसके पास से क्या कर सकते हैं, उसके पास से क्या कर सकते हैं, नहीं आलस क्रिएट करेगा, उसके पास क्या करेगा आलस क्रिएट करेगा, यानी कि जो धीर हाथ निकल रहा है ये क्या हो गया, जो भोकू है एक माध्यम हो गया। भोकू क्या है, भोकू आपका माध्यम है, इस माध्यम के थ्रू क्या कर रहा है, मानुष तक जो ध्वनि पहुंच रही है, ऐसा ध्वनि है जो मानव में सिर दर्द ला रहा है, आलस चला रहा है, निद्रा निद्रा को क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर, निद्रा को भंग कर रहा है, निद्रा को भंग कर रहा है, यानी कि आप सो नहीं पा रहे चैन से, ठीक है, या फिर बहरापन, यानी कि आपको कोई आपस में बुलाए कि भैया सुनिए आप सुन नहीं रहना। एक तो जेन्युइन होता है जो चैन में सुनते हो अलग की बात है, लेकिन इनके सकता है ऐसे माध्यमों में ऐसे हॉस्पिटल में रहता रहा जहाँ पे तेज ध्वनि का चलना बहुत कारगर बात हो, तो वहाँ पे क्या है कि बहरापन का शिकार होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आदमी बहरापन हो सकता है। तो कहने का सिर्फ मेरा ये है कि ध्वनि है जो माध्यम है, मान लीजिए जो माध्यम से आ रहा है, जो आपका स्पीकर है, जो भी डाल उसको तो बजाय कह सकते हो, बहुत तेज हाथ बजा रहा है, क्या बजा रहे हैं, बहुत तेज हाथ बजा रहे हैं, तो भैया जब बहुत तेज हाथ बजाएंगे तो कहीं ना कहीं समुदाय में जो क्या मनुष्य को आ रहा है, मनुष्य पर ज़्यादा प्रभावित करेगा, मनुष्य पर ज़्यादा प्रभावित करेगा, उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगा। तो कहने का सेंस मेरा ये है, अगर आपसे पूछता है डिफाइन करने के लिए कि व्हाट इज नॉइज़ पॉल्यूशन, तो आप एकदम एक लाइन में जवाब दीजिएगा कि ऐसा ध्वनि जो हमारे कानों को अप्रिय लगे, जो हमको क्या करे, पैरा पर क्रिएट कर दे, जिसमें हम इतना पर बजा दें, या फिर ज़्यादा से क्रिएट कर दे, या फिर चिंता हो, मतलब इतने सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, जनरली उसको हम क्या बोलते हैं, ध्वनि प्रदूषण बोलते हैं। जैसा कि नाम में ही है नॉइज़ पॉल्यूशन, तो नॉइज़ को लिमिटेशन में नहीं हो रहा है, तभी तो इससे क्या होता है, कभी कभी इंडस्ट्रियों में अभी हम आगे डिस्कशन करेंगे भी, जो इंडस्ट्रियों में हम जाते हैं तो देखते हैं बड़े बड़े मशीन होते हैं, बड़े बड़े तेज ध्वनि के साथ चलते रहते हैं, तो जो वहाँ काम करने वाले पर्सन होते हैं एक्चुअली उनकी तो हैबिट बन जाते हैं, लेकिन तुम ये जाप देखोगे ना तो बच्चे शांत वातावरण में, चूँकि नेचर होता है इंसान का शांत वातावरण में रहना, लेकिन जो इंडस्ट्री में काम करते हैं उनका एक क्या कि डेली का रूटीन बन चुका है कि हमको क्या करना है कि 8 घंटे ड्यूटी करना है, तो 8 घंटे ड्यूटी उसमें सर्वाइव करते हैं, ऐसा नहीं बहुत तेज मशीन चले तब भी करेंगे या कुछ लगा तब भी, तो उनका उनका डेली का होगा। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर एक जाप देखिएगा उसी इंडस्ट्री में, खासतौर पर एक इंडस्ट्री का नाम मैं बता रहा हूँ, उसमें अगर जाइएगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जब जहाँ धागा बनता है फाइनली, मतलब रिंग फ्रेम एक मशीन का नाम होता है, उस रिंग फ्रेम मशीन में क्या होता है, इतनी तेज आवाज आती है कि अगर हम 2 मिनट में भी अगर आवाज़ को और अपने बातों को कहना चाहें तो हम नहीं सुन पाएंगे। सोचो इतनी तेज आवाज में जब 2 मिनट पे ही हम कुछ नहीं सुन पा रहे हैं तो क्या मतलब है, यानी कि कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट पड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अपना डिमांड कर सकते हैं, आप भी अपना परिभाषा अगर बना सकते हो तो अलग फ्री, ठीक है, आप भी फ्री हो या अपना परिभाषा क्या कर सकते हो अलग बना सकते हो। कहने का सेंस मेरा ये है जो आपका परिभाषा बनेगा, ध्यान सुनना, कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए जो क्या हो लॉजिकल, ऐसा होना चाहिए जो आपका क्या फॉर्मूला लॉजिकल हो।
तो वो सॉल्व नहीं पाएगा तो नंबर काट देगा। तो इसका अपडेट जरूर करिएगा कि इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, उस चीज को उसको डिफाइन करिएगा, तभी जाके नंबर मिलेंगे। चलिए गाइस ठीक है, हमने बता दिया क्या क्या पढ़ना है और हमने क्या क्या पहला टॉपिक जो था आपका वह था आपका कि जो आपका नॉइज पॉल्यूशन है, नॉइज जो पॉल्यूशन है, जो नॉइज पॉल्यूशन है एक्चुअली में उसको क्या करना है, कैसे डिफाइन करना है। अगर इसको डिफाइन करने के लिए पूछ लेता है, अगर इसको डिफाइन करने के लिए पूछता है तो हम जैसे ही बताएं आपको उसी तरह आप लोग लिख दीजिएगा, उसी तरह आपको क्या करिएगा लिख दीजिएगा, तो आपको नंबर थ्री भी करने वाला नहीं है। ठीक है, क्लियर है, चलो ठीक है। अब हमारा जो आता है नेक्स्ट टर्म, जो हमारा नेक्स्ट टर्म आता है उसको ध्यान से सुनिएगा। जैसे जब हम पढ़ रहे थे क्या पढ़ रहे थे बाबू, जब हम पढ़ रहे थे वाटर पॉल्यूशन या फिर एयर पॉल्यूशन, तो हम कहीं ना कहीं देख रहे थे कि जो एयर पॉल्यूशन का सोर्स क्या है, तो वहाँ भी जनरल हम लोग औद्योगिक इंडस्ट्री यातायात में आए थे। वाटर पॉल्यूशन भी पढ़ रहे थे तो जनरल हम लोग वहाँ पर क्या आए थे, यातायात में वगैरह वाटर पॉल्यूशन इंडस्ट्री वगैरह से आए थे। तो कहीं ना कहीं माध्यम जो सोर्सेस हैं वो कहीं ना कहीं तो वहाँ से फिट होगा ना, और अपने कैसे फिट होगा बिना किसी सोर्सेस को, तो वहाँ नहीं तो जो आपका उसको जो भी हो रहा है, जो भी इंडस्ट्री हो रहा था या जो भी हो रहा था, ठीक है, वाटर हो रहा था या फिर जो भी कह सकते हैं, एयर वहाँ से तो हार्मफुल गैस निकलती है इंडस्ट्री से भी, और वाटर भी वहाँ से पॉल्यूटेड होकर निकलता था। तो कहने का सेंस मेरा ये है, जितने भी आपके पॉल्यूशन हैं कहीं ना कहीं आपके किसी ना किसी फॉर्म में क्रिएट होते हैं और कहीं ना कहीं उसके मेन स्रोत होते हैं। वो स्रोत कहाँ है, जैसे मान लीजिए आप अगर हम कहें फसल का जो स्रोत है वो क्या है, तो आप कहोगे कि फसल का जो स्रोत है भैया जहाँ फसल उगता है, जिस माध्यम से उगता है, सॉइल के माध्यम से उगता है, यानी कि कहने की सॉइल के माध्यम से उगता है, यानी फसल को क्या कह रहा है ना, अब इसके बाद सॉइल से पूरा जो सॉइल में जो भी कमी आएगी उस कमी को रिमूव करेंगे, तो स्रोत हो गया। तो कहने का सेंस मेरा है कि जो हमारा नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है इसका स्रोत क्या क्या हो सकता है, इसका स्रोत क्या क्या हो सकता है, ध्वनि प्रदूषण का स्रोत, सेकेंड है ध्वनि प्रदूषण का स्रोत, यानी कि हमको ये पता होना चाहिए कि जो ध्वनि प्रदूषण का जो स्रोत है वो क्या क्या हो सकता है, जो ध्वनि प्रदूषण का स्रोत है वो क्या क्या हो सकता है। जैसा कि हमने बताया था आपको, जैसे वाटर है, वाटर पॉल्यूशन है, तो वहाँ से जनरली क्या होता है, जो इंडस्ट्री से या फिर कोई ट्रीटमेंट प्लांट है वहाँ से कहीं ना कहीं एक रिसोर्सेस में आ देख रहा है, कहीं ना किसी नदी का नाम में मिल जा रहा है विदाउट किसी ट्रीटमेंट। तो कहने का मतलब ये है कि जो ध्वनि प्रदूषण का जो स्रोत बन रहा है उसको भी जानना आवश्यक है, जितना हमने वहाँ पर भी पढ़ा था वाटर पॉल्यूशन में और एयर पॉल्यूशन में। ध्यान रखिएगा जो इसका स्रोत है कह सकते हैं निम्न स्रोत, क्या कह सकते हैं, निम्न स्रोत है। तो गाइस ध्यान देना, निम्न स्रोत है क्या मतलब, इन द सेंस ये है कि जो आपका ध्वनि प्रदूषण का जो स्रोत है वो क्या है, उसके बारे में हम लोग अब चर्चा करने वाले हैं। हम इसको पहला करेंगे, जो आपका पहला होगा स्रोत आपका होगा अवरोही, क्या होगा, जो आपका पहला स्रोत होगा आपका होगा अवरोही। देखो औद्योगिक काफी चीजों में, चाहे वो एयर हो, चाहे वो वाटर हो, पॉल्यूशन हो, चाहे वो क्या हो, ध्वनि प्रदूषण हो, यह नियर अबाउट तीनों चीजों में शामिल है। देख रहे हो ना, जो इंडस्ट्री है आपका नियर अबाउट अगर देखा जाए तो सॉइल सॉरी जो आपका सॉइल पॉल्यूशन भी कह सकते हैं, उसमें जो आपका वाटर पॉल्यूशन है, जो एयर पॉल्यूशन है, ये बहुत मेन कारण होता है, लेकिन मेन सोर्स होता है। उसी प्रकार इसका भी जो औद्योगिक में जो बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं या फिर उसके पार्ट के जो मरम्मत होते हैं, तो उससे जो ध्वनि निकलती है, उससे जो ध्वनि निकलती है उसी ध्वनि को बोलते हैं औद्योगिक स्रोत से जो निकला हुआ हमारा ध्वनि है, उसी को बोलते हैं ध्वनि प्रदूषण। तो कहने का सेंस मेरा ये है आपका कि जो डोज होने वाला या जो मशीनों से होने वाला जो भी है, ठीक है, यानी मशीन तो क्या करे, मशीन चल रहा है, मान लो जैसे मान लीजिए मशीन है आपका, मशीन है तो जो मशीन रोटेट कर रहा है भैया बहुत तेजी के स्पीड के साथ आगे उठा, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो करेगा, बहुत तेज चलेगा तो
के चले की प्रक्रिया क्या होती है। इस प्रक्रिया उनके विभिन्न कामों का होना प्रक्रिया उनके विभिन्न भावों का होना उनके विभिन्न भावों का होना भी क्या है, भावों का होना या फिर क्या मशीनों की मरम्मत या फिर मशीनों की मरम्मत ठीक है। मशीनों से उत्पन्न यानी कि मशीनों की मरम्मत जब होती है तो मशीनों से क्या होता है, मशीनों से उत्पन्न जो भी ध्वनि होती है वो भी उसे किसके अंदर लगाती है, औद्योगिक के अंदर लगाती है। आपको पता है जो इंडस्ट्री होती है जो औद्योगिक होता है वो जनरली 24 आवर्स क्या होता है चलता रहता है ठीक है। यानी कि 24 घंटा भी आपका इंडस्ट्री में जितने भी मशीनें यूज होती हैं पर्टिकुलर चलती हैं, लेकिन कभी कभी एक टाइम इंटरवल पर क्या करते हैं हम मशीनों की मरम्मत भी करते हैं। जब मशीनों की मरम्मत करते हैं उसके दौरान भी क्या होता है कहीं ना कहीं तेज मात्रा में हमारा जो होता है ध्वनि निकल करके आती है। तो जो ध्वनि निकल रहा है या मशीनों की चलने की प्रक्रिया हो रही है ये सारा कुछ जो होता है वो जनरली हम बता सकते हैं कि जो ध्वनि के अंदर आता है जो बहुत बड़ा स्रोत है। और ये स्रोत देखो सिर्फ कहना ही नहीं मिला, मैंने इसके पहले बताया है जो आपका औद्योगिक एक ऐसा एरिया है ऐसा जोन है जहाँ से एयर पॉल्यूशन भी फैल रहा है और वाटर भी फैल रहा है और आपका औद्योगिक ध्वनि प्रदूषण भी फैल रहा है। अब देखो कि आप लोग कहोगे सर वहाँ पर काम करते हैं ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो काम करने वाले हैं उनमें से सारे लोग सही ही होंगे। आप इस बात का पूछ सकते हैं जो बहुत तेज होने वाले अगर मशीन पर काम कर रहे होंगे बहुत तेज होने वाले मशीनों में काम कर रहे होंगे प्रोडक्शन वगैरह में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहे होंगे। लेकिन बात है कि वो सर्वाइव इतना कर चुके हैं उसमें कई साल गुजार चुके हैं उनको एक हैबिट सा बन गया क्या गया उनको एक आदत सी बन गई है काम करने की टेंडेंसी को लेकर के दिमाग में संजल हो चुका है। लेकिन अगर आप एक दिन के लिए जाइए अगर एक दिन के लिए जाइए दो दिन के लिए जाइए तो आपको खुद एहसास होगा जो मशीनें चल रही होती हैं इंडस्ट्री वगैरह में बहुत तेज़ी से चलती हैं। जैसा कि हमने बताया कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कभी भी साइड विजिट करिएगा या फिर किसी और इंडस्ट्री में जाकर देखिएगा तो हमको देखने को ये मिलेगा कि जो आपके मशीनें हैं इतनी तेज़ी से आवाज़ करती हैं कि मत पूछो कि क्या मतलब होता है ठीक है। आदमी बहुत तरह से वहाँ इरिटेट होने लगता है मतलब उसका सिर दर्द होने लगता है मतलब पूरा बाकायदे से उसका मतलब समझ में मानो की जो स्थिति वो बिगड़ जाती है। लेकिन अब जो वहाँ काम करने वाले हैं वही मैं बात बता रहा हूँ जो काम करने वाले हैं उनकी क्या हुई है उनकी एक आदत सी बन गई है आदत ये बन गई है कि भैया वो काम कर रहे हैं डेली जा रहे हैं तो सुनने का आदत हो गया इस वजह से उनको पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता। अगर असर पड़ता मैं यही नहीं कहता हूँ असर पड़ रहा है लेकिन उनको अगर काम कर रहे हैं उनका असर पड़ेगा थोड़ा बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं फिर तो पड़ेगा। मैं सोचता हूँ कि जो काम करने वाले हैं उनका असर नहीं पड़ेगा। इसीलिए बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जो जानते हैं जो ध्वनि वाले मशीनें होती हैं वहाँ पे काम करना पसंद नहीं करते हैं। जहाँ पे तेज ध्वनि वाला जो मशीन का होता है ना वहाँ पे बहुत सारे जो पर्सन होते हैं ना जो बहुत सारे पर्सन होते हैं वो काम करना पसंद नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं उनको पता है कि हमको क्या होगा सिर दर्द होने लगेगा या तो हम ये कहते हैं जहाँ तक मेरा मानना है इस सेंस की आपको जितना भी आपको समझना है तो बस आप समझ सकते हो आसानी से जो ध्वनि निकल रहा है वो पर्सन को कितना इफेक्ट कर रहा है ठीक है तो सोचने वाली बात यह है आपका जो मेन स्रोत हो रहा है आपका ध्वनि प्रदूषण का वो आपका क्या हो सकता है औद्योगिक स्रोत हो सकता है जिसमें कि जो क्या होगा जिसमें मशीनों को चलने की प्रक्रिया भी शामिल है या फिर जो विभिन्न जो पुर्जे जो होते हैं मशीन के पार्ट होते हैं उनको जब हम क्या करते हैं एक प्रॉपर वे में जो लोग क्या करते हैं कह सकते हो कि मरम्मत करते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ से क्रिएट होता है ध्वनि। वो ध्वनि जो होता है वो आदमी के लिए सही नहीं होता है लेकिन एक्चुअली में जो काम करने वाले मैंने वही बताया कि हैबिट बन चुका है इस वजह से उनके लिए कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं था लेकिन दिक्कत
जब होता है आपका लॉन्ग टर्म से पास देखने को मिलेगा तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा वो चांसेस हो नहीं पाएगा या फिर उसकी स्क्रीन में बहुत आलसी बहुत आलसी मतलब आ गया तो कहीं कहीं ना फसल को आपको डिफेक्ट करने वाला होता है। ठीक है, आपका जो पहला स्रोत था आपका था मधुमेह स्रोत। अब दूसरा स्रोत देखते हैं क्या होता है, अब दूसरा स्रोत देखते हैं क्या होता है, अब दूसरा स्रोत देखते हैं क्या होता है। जो आपका दूसरा स्रोत है वो मानते हैं यातायात। क्या होता है यातायात? ठीक है, क्या होता है यातायात? अब कहेंगे इससे कैसे होता है, तो गाइस ध्यान देना जितने भी व्हीकल चलते हैं रोड पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो भी हो सकता है हवाई जहाज जो हो सकता है ध्यान देना हवाई जहाज हो सकता है रेल हो सकता है ट्रक हो सकता है और क्या हो सकता है रेल ट्रक यानी कि जितने भी कुछ ऐसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है अगर ये ऐसे हार्म क्रिएट करें जो आदमी क्या करे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करे क्योंकि कुछ हार्म होते कुछ गाड़ियाँ होती है हार्म बहुत स्लो होता है बहुत स्लो होता है पता नहीं चलेगा कब वो हार्म जाकर करेगा लेकिन कुछ गाड़ियों में ऐसे हार्म होते हैं जैसे गाड़ी में बहुत जैसे होने का दिक्कत है उसके पास में तो पता चलेगा ट्रक वगैरह भी जाते हैं कभी कभी हार्म बहुत तेजी से आ जाता है तो कहीं ना कहीं ये आप चीज़ें आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं आपको क्या करती हैं क्रिएट करती हैं इसका असर जो होता है गैस का कहीं ना कहीं आपके जो आपका कह सकते हो कि अध्ययन करने में या फिर लाइब्रेरी में जो भी काम रहता है उस पर कहीं ना कहीं डिफेक्ट पड़ता है हमेशा हमें डिफेक्ट पड़ते हैं जो अध्ययन कर रहे होते हैं अध्ययन वाला जो आपका मान लीजिए पुस्तकालय ही है लाइब्रेरी है आपका क्या है आपका पुस्तकालय है तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत करेगा आपको कंसंट्रेशन बंद करने में क्योंकि मदद हो जाता है मतलब इसकी योगदान हो जाता है इसका यातायात साधन का यदि हवाई जहाज चाहे रेल चाहे जो भी चल रहा है शांत वातावरण में उसका कोई दिक्कत नहीं भैया और आदमी शांत वातावरण में रहना भी पसंद करता है लेकिन अगर ऐसी जगह है जहाँ पे ट्रेन जा रहा है आपके बगल में आपका घर तो देखो डेले आने का जाएगा तो खुद रिलेटेड हो जाओगे ट्रक वगैरह भी कभी कभी बहुत तेज हाथ में बजाने लगते हैं या फिर जो सुपर बाइक वगैरह भी आजकल बहुत तेज हाथ में जाकर निकल जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो आपका जो सेकेंड सोर्स है जो स्रोत है आपका यातायात का प्रदूषण का वो होता है यातायात का पहला हमने क्या पढ़ा था पहला हमने पढ़ा था औद्योगिक क्या होता है औद्योगिक होता है उससे क्या क्या क्रिएट हो सकता है इसके क्या क्या उसका माध्यम है फिर अध्ययन हमने देखा माध्यम आपका हो सकता है हवाई जहाज रेल टूटा गया जितने भी आपके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है इत्यादि जितने भी आपके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको ध्यान में रखकर के उसको ध्यान में रखा ठीक है और इसका हिस्ट्री पे क्या है लाइब्रेरी वगैरह पे इसका जरूरी क्या होता है अस्पताल वगैरह भी होता है ठीक है ध्यान देना उसको अस्पताल वगैरह में क्या करता है इसका इफेक्ट डालता है इस चीज को ध्यान देते रहिए ठीक है ध्यान देते रहिए तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है आपका है जो नेक्स्ट है रिकॉर्ड जो थर्ड है आपका सामुदायिक क्या होता है सामुदायिक क्या होता है सामुदायिक ठीक है यानी कि कम्युनिटी अब इस बात है जहाँ भी कम्युनिटी कुछ ऐसे कम्युनिटी में जब आदमी रहता है तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा माहौल बन जाता है कुछ ना कुछ ऐसे माहौल बन जाते हैं जहाँ पर जैसे मान लो सबको जाए किसी के यहाँ बर्थडे पार्टी है या किसी के यहाँ शादी है या किसी के यहाँ कुछ भी है तो होता क्या है इस कम्युनिटी में लोग क्या करते हैं डीजे वगैरह लाते हैं बड़े बड़े ग्रुप लाते हैं हार्म वगैरह बहुत तेजी से जाते हैं तो जो ये हार्म वगैरह बजते हैं लोग तेजी से उस पार्टी के अंदर जाकर तो कहीं ना कहीं उस समय तो अच्छा लगता है ना उस समय तो आदमी जोश में होता है तो गाना गाता है नाचता है घूमता है खूब करता है लेकिन कुछ समय के बाद उस समय के बाद से इसका भी इफेक्ट कहीं ना कहीं आपके शरीर पर नजर हटता हुआ नजर आएगा कहीं ना कहीं आपको क्या करेगा सर दर्द करेगा पूरा सर खाली हो जाएगा आपका सर पूरा खाली हो जाएगा और आपको क्या होने लगेगा इरिटेशन होने लगेगा तो कहीं ना कहीं आपके सामुदायिक भी एक रूप से कहें अगर इसका स्रोत कोई गलत नहीं यानी कि कम्युनिटी में भी इसका बहुत बड़ा काम देता है वहीं प्रदूषण में जैसे शादी विवाह में पार्टी में या फिर बहुत सारे अवसर हैं ऊँचा ऊँचा क्या करते हैं बहुत हाल हो जाते हैं इसी हाल
खुद अगर अपने एटमॉस्फेयर में अगर देखना चाहो अगल बगल तो आप देख सकते हो, ऐसा नहीं है। तो कहने का सेंस मेरा ये है कि जो आपका समुदाय है उसमें बेसिकली जो जितने पार्टी बर्थडे पार्टी शादी विवाह होते हैं उसमें जितने भी उच्च हार्मोन बजाते हैं बहुत तेजी के साथ हार्मोन बजाते हैं वो जल्दी क्रिएट करता है या डेसिबल में या
बल इस पर में पढ़ लिया जाता है, पढ़ लिया जाता है, पढ़ लिया जाता है, पढ़ लिया जाता है। इस प्रकार सूर्य की तीव्रता को यानी मैं इस प्रकार सूर्य की तीव्रता को इस प्रकार करते हैं उसका फिर मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।